पटला विधानसभा के गांव हसावटी पहुंचे नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला। 2019 के आने वाले चुनावों की तैयारी के चलते कर रहे हैं इलाकों का दौरा। नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला का गांव हसावटी पहुंचने पर इनेलो नेता धर्मपाल रावत ने अभय सिंह चौटाला का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर ढोल नगाड़े फूल मालाओं के साथ भी उनका जोरदार स्वागत किया गया। ऐसे स्वागत को देखकर अभय सिंह चौटाला काफ़ी खुश हुए और उन्होंने धर्मपाल रावत की प्रशंसा भी की। कहा, जब तक इनेलो में ऐसे कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे तब तक इनेलो पार्टी इसी तरीके से समाज सेवा करती रहेगी। फरीदाबाद के सावटी गांव में ढोल धमाकों के साथ दिखाई दे रहा यह काफिला नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला का है, जहां उनके काफिले पर पहुंचने पर इनेलो नेता धर्मपाल रावत द्वारा बुलाए गए हरियाणवी कलाकारों ने रंग जमाया। वहीं लोगों ने पटाखे फोड़कर अपनी खुशी का इजहार किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि आज पुराने कार्यकर्ता धर्मपाल रावत के घर से चाय पानी के कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे और साथ ही पलवल से 3 बार बीजेपी जिलाध्यक्ष रहे गिरिराज डागर को उन्होंने इनेलो पार्टी में शामिल किया है। वहीं फरीदाबाद से बीजेपी पार्टी प्रेस प्रवक्ता रहे उमेश भाटी को भी पार्टी में शामिल किया गया है, जिसका साफ मतलब है कि आज सत्ताधारी पार्टी से बीजेपी पार्टी के पदाधिकारी नाराज होकर पार्टी छोड़ रहे हैं और आज 3 बार बीजेपी के जिलाध्यक्ष रहे गिरिराज डागर ने अपनी आस्था व्यक्त करते हुए इनेलो पार्टी ज्वाइन की है। मेरे कई ऐसे कार्यक्रम थे जिनमें आज हमारे जो पुराने वर्कर साथी उनके घर में चाय पान कर, आज एक सबसे बड़ा एक काम जो जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और जिस पार्टी का 3 दफा जिले का अध्यक्ष रहा और आज जो पार्टी सत्ता में जो पार्टी हो उसको छोड़ करके आज अगर कोई हमारी पार्टी ज्वाइन करता है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार से आज उसकी अपनी पार्टी के पदाधिकारी भी दुखी हो गए। आज गिरिराज डागर जो थे जो 3 बार जिला अध्यक्ष थे भाजपा के, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर के इंडियन नेशनल लोकल पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त करी है। मैं उनको आज पार्टी में शामिल करके पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आज हर वर्ग के लोग बीजेपी से नाराज हैं, जिसके चलते आने वाले समय में बीजेपी 100% सत्ता से बाहर होगी। बीजेपी के उपवास पर चौटाला ने कहा कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं उन पर देश चलाने की जिम्मेवारी है, ना कि उपवास करने की। चाय का प्रोग्राम और मैंने एक बार उनसे कहा था मुझे चाय का दिया जाए, उन्होंने बोला कि मैं तेरे को चाय जरूर दूंगा, बड़ा धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे टाइम दिया जाए। क्या इसे ये माने 2019 में आने वाले इलेक्शन की तैयारी में इस समय घूम रहे हैं क्षेत्र के अंदर? ये तो देखने पे 2019 में हरियाणा में इनेलो की सरकार आएगी, हरियाणा में आवाज है कि सरकार इनेलो की आएगी। ये भी सुनने में आ रहा है बीजेपी प्रेस प्रवक्ता हैं वो भी शामिल हुए हैं इनेलो में, क्या कहना है?